यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 57। यशायाह अध्याय 57। धर्मी जन नाश होता है, परंतु कोई इस बात की चिंता नहीं करता, और भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं, परंतु कोई नहीं सोचता कि धर्मी जन पहले उठा लिया गया ताकि आने वाली विपत्ति से बच जाए। वह शांति को पहुंचता है, जो सीधी चाल चलता है अपनी खाट पर विश्राम करता है। परंतु तुम हे जादूगरनी के पुत्रों, हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की संतान, इधर निकट आओ। तुम किस पर हंसी करते हो और तुम किस पर मुंह खोलकर जीभ निकालते हो? क्या तुम पाखंडी और झूठे नहीं हो? तुम तो सब हरे वृक्षों के तले देवताओं के कारण कामातुर होते और नालों में चट्टानों की दरारों के नीचे बाल बच्चों को बध करते हो। नालों के चिकने पत्थर ही तेरा भाग और अंश ठहरे। तूने उनके लिए तपोवन दिया और अन्नबलि चढ़ाती है। क्या मैं इन बातों पर शांत हो जाऊं? एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर तूने अपना बिछौना बिछाया है, वहीं तू बलि चढ़ाने को चढ़ गई है। तूने अपनी चिन्हानी अपने द्वार के किवाड़ और चौखट की आड़ ही में रखी, और तू मुझे छोड़कर औरों को अपने तई दिखाने के लिए चढ़ी। तूने अपनी खाट चौड़ी की और उनसे वाचा बांध ली, और तूने अपनी खाट को जहां देखा पसंद किया, और तू तेल लिए हुए राजा के पास गई और बहुत सुगंधित तेल अपने काम में लाई, और अपने दूत दूर तक भेज दिए और अधोलोक तक अपने को नीचा किया। तू अपनी यात्रा की लंबाई के कारण थक गई, तो भी तूने न कहा कि व्यर्थ है, क्योंकि तेरा बल कुछ अधिक हो गया, इसी कारण तू थक नहीं गई। तूने झूठ कहा और तुझको स्मरण नहीं रहा और चिंता नहीं की, तो किसके डर से और किसका भय मानकर ऐसा किया? क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा? इस कारण तू मुझसे तो नहीं डरती। मैं आप तेरे धर्म और कर्म का वर्णन करूंगा, और परंतु उनसे तुझे कुछ लाभ न होगा। जब तू दुहाई दे, तब जिनको तूने जमा किया है वह तुझे छुड़ाए, वे तो सब की सब वायु से वरन एक फूंक से भी उड़ जाएगी। परंतु जो मेरी शरण लेगा वह देश को बंटवारे में पाएगा और मेरे पवित्र का पर्वत का अधिकारी हो जाएगा, और यह कहा जाएगा कि पांति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ और मेरी प्रजा के मार्ग में से ठोकर दूर करो। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता और जिसका नाम पवित्र परमेश्वर है, वह तो यो कहता है कि मैं ऊंचे पर पवित्र स्थान में निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। मैं तो सदा मुकदमा लड़ता न रहूंगा और न सर्वदा क्रोधित रहूंगा, क्योंकि आत्मा और मेरे बनाए हुए जीव मेरे सामने मूर्छित हो जाते हैं। उसके लोभ के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था और क्रोध के मारे उसके मुंह छिपाया था, और वह अपने मनमाने मार्ग में से दूर भटकता चलता गया था। मैं उसकी चाल देखता आया हूं, इसलिए अब उसको चंगा करूंगा और उससे ले चलूंगा और उसको विशेष करके उसमें से उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। यहोवा ने कहा है कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता, और उसका जल मैल और कीच उछालता है। मेरे परमेश्वर का यही वचन है कि दुष्टों के लिए शांति नहीं।